प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। छोड़ उलझने तमाम, अपने हौसलों के पंखों को और फैलाते हैं। चलो जिंदगी, आज हम फिर नई उड़ान भरते हैं। भूल जाते हैं बीते दर्द, खुशियों को हमराज रखते हैं। सजाते हैं आंगन में आशाओं की रंगोली, दरवाजे पर मुस्कान का बंधनवार लगाते हैं। बिखेरते हैं प्यार के गुलाल, अपनेपन के दीप जलाते हैं। खिला देते हैं मायूस चेहरों को, सबके जीवन में उमंगों की संजीवनी खुलते हैं। विवशता के कांटों से खींच, आत्मविश्वास के गुलाब से खुद को सजाते हैं। आओ सखियों, नए साल के सफर पर चलते हैं। नौ गति, नौ धुन, नए उल्लास के साथ हम नए साल का अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम सुन रही मेरी सभी प्यारी सखियों का आज के बिंदिया कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आपकी अपनी सखी नेहा त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल 2024 हम सबका इंतजार बेसब्री से कर रहा था, तो फिर हम सब बिंदिया सखियां क्यों ना उसके लिए कोई सौगात लेकर आए, क्योंकि स्वागत जितना जबरदस्त होगा साथ उतना ही शानदार होगा। इसीलिए नए साल के स्वागत में हम बिंदिया कंपेयर्स ने एक विशेष कार्यक्रम बनाया है, जिसका शीर्षक है स्वागत 2024। आलेख नेहा त्रिवेदी का है। प्रतिभागी बिंदिया सखियां हैं मोनिका शर्मा, दीपशिखा शर्मा, डॉक्टर मंजुला जैन, पारुमिता, प्रीतम कौर, हिना देशपांडे और नेहा त्रिवेदी। प्रस्तुत करता है शाहिद हुसैन। तो फिर स्वीकार कीजिएगा नौ वर्ष पर बिंदिया परिवार की अनमोल सौगात, स्वागत 2024। आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल, तू पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल, आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। जिंदगी की बहती सरिता में जब नेह की दीपशिखा झील मिलाती नजर आती है ना, तो मन की नायिका अपने गीतों के प्रीतम को साथ ले श्वेत धवल आसमान पर परवान चढ़ती जाती है। उसकी आकांक्षा तो चांद को जमीन पर आने की होती है, तभी उसे अपने रूह की आवाज सुनाई देती है। कोई उसे मंजिल धरती से पुकारता है, अरे ये और कोई नहीं नौ वर्ष है जो उसे अपने पास बुला रहा है। उससे कहना चाहता है हमारा स्वागत ना करोगी, हमने अपनी हथेलियों को तुम्हारे लिए रीता थोड़ी ना रखा है, देखो ना उम्मीदों की हिना सोच है, खुशियों की बिंदिया का संसार सजाया है, तुम्हारे हौसलों के सुनहरे पंखों में अपनी शुभकामनाओं की कोहिनूर जड़ेगी और तुम्हारी अप्रतिम मुस्कान को अनंत करने के सारे जतन किए, तुम्हारे इंतजार को पूजा है, तुम्हारे अपनेपन से जुनैदा संग प्रीत निभाई है, आज तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आने वाले का तू इंतजार कर, जाने वाले पे न एतबार कर, आने वाले का तू इंतजार कर, बीते दिनों की यादों में न चल, बीते दिनों की यादों में न चल, ए बाबू आगे चल, आज का ये दिन
कल बन जाएगा कल। पीछे मुड़ के ना दे प्यारे आगे चल, अरे पीछे मुड़ के ना दे प्यारे आगे चल। आशाओं के दीपों से जगमगाती, आशाओं के दीपों से जगमगाती मुस्कान, कंप्यूटर के कीबोर्ड से खेलती उंगलियां, अपनी सखियों को अपनी बातों से और अपनी अंदाज से अपना बनाने वाली सखी दीपशिखा शर्मा, जो कि है तो बहुत शर्मीली लेकिन कंप्यूटर साइंस में PhD है, साथ ही कॉलेज में प्रोफेसर भी है, आज 9 वर्ष के स्वागत में कौन सी भेंट करना चाहती है अपनी सखियों को? सबसे पहले तो बिंदिया की सारी सखियों को मेरा हंसता खिलखिलाता नमस्कार और 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे सच कहा नेहा तुमने, पर सच कहूँ तो ऐसा कोई पल या लम्हा मुझे याद नहीं आ रहा जो बहुत खास हो। दिमाग ना पूरी तरह से ब्लैंक हो गया है। मुझे लगता है जिंदगी का हर लम्हा जो अपने अपनों के साथ हमने बिताया है वो खास होता है, क्योंकि खुशियाँ बड़ी बड़ी चीजों से नहीं, छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे लम्हों से होती है। और मैं तो अपनी सखियों से भी यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जो मिला है उसे संभाल कर रखें और हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें, सहज रहें और निरंतर प्रयास करते रहें जिंदगी को बेहतर बनाने का, क्योंकि बहनों वर्तमान अच्छा है ना तो यकीनन भविष्य भी बेहतर होगा। वो कहते हैं ना, जो पास है वो पर्याप्त है। दीपशिखा तुमने बातें तो बहुत अच्छी की हैं और आज सखियां अभी तक तो तुमको सुनती रही हैं, लेकिन आज तुम्हारे बारे में भी जाना। हमेशा तुम गीत सुनवाती हो लेकिन आज उन्हें गाना सुनाओ। नेहा वैसे मैं सच कहूँ तो हमेशा एक गीत मैं गुनगुनाती हूँ और मुझे अच्छा लगेगा जब हम सारी सखियां वो गीत गुनगुनाएं। तो उसके बोल हैं, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं कहूँ कहीं मैं, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं कहूँ कहीं मैं, जाने क्या पाके मेरी जिंदगी, अक्सर आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कभी मुस्कान के मोती लुटाती है तो कभी मनोरंजन के खजाने, कभी अपनी बातों से सखियों के मन की नायिका बन जाती है तो कभी उनकी हमजोली। ये है हमारी सखी मोनिका शर्मा, जो पिछले कई वर्षों से अपनी बिंदिया की सखियों के साथ पक्की दोस्ती निभा रही है। वहीं दूरदर्शन पर समाचार सुनाती भी नजर आती है। इंटीरियर डेकोरेशन के क्षेत्र में मोनिका को महारत हासिल है। तो फिर जानते हैं 9 वर्ष के लिए मोनिका क्या तोहफे लेके आई है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। बहुत इंडिया की मेरी सभी प्यारी सखियों को और यहाँ पर मौजूद मेरी प्यारी प्यारी सखियों को 9 वर्ष की अनेक बधाई और शुभकामनाएं। और दीपशिखा, कितना सही कहा तुमने कि वर्तमान में ही भविष्य है, और अगर हमारे पास कुछ पल है तो वो ही पर्याप्त है खुशी में बदलने के लिए। और सच कहूँ बहनों तो मेरे सारे जो प्रोफेशन दीपशिखा ने गिनाए, भले वो इंटीरियर डेकोरेशन का हो या दूरदर्शन का हो, वो मान लीजिए कि मेरे ससुराल है तो बिंदिया मेरा मायका, क्योंकि यहाँ पर मैं मिलती हूँ अपनी प्यारी प्यारी सखियों से, जो मेरी अपनी हैं, जो मेरी सखियां हैं, सहेलियां हैं, उनसे मिलकर मैं ढेर सारी बातें करती हूँ, मन की बातें, और छोटे छोटे पलों में छुपी होती हैं। आपका क्या मानना है? बिल्कुल यही सच है मोनिका। तो छोटे छोटे पलों की खुशियां तो चार गुना और हम कर सकते हैं। तो चलो तुम बताओ अभी तुम कौन सा गीत गुनगुनाने वाली हो? शिखा, ये वाला जो प्यारा सा गीत है, आइए हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं और सुनते हैं। ये समा
मासूम, फूलों से जिंदा दिल और शब्दों की कुशल कारीगर, ये हैं हमारी बिंदिया कंपेयर पारोमिता गोस्वामी, जो कि मशहूर साहित्यकार और गीत और गजलों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। और आज देखते हैं कि नए साल पर कौन सा अपना जादू बिखेरने आई हैं। पहले तो मैं ये बोलूंगी भाई कि तुमने ये जो हार पहना हुआ है ना, ये तो मन कर रहा है कि ये मैं तुमसे लूट लूं। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे को आज इस कार्यक्रम में शामिल किया है, और मैं शुक्रगुजार हूँ नेहा का, आकाशवाणी का भी, कि साल के पहले दिन हम शाम की चाय हमारे बहनों के साथ बैठ के, बिंदिया बहनों के साथ बैठ के पी पाएंगे। बिल्कुल, एक बहुत ही प्यारा सा मैंने एक दो तीन लाइनें लिखी हैं जो मैं सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुद्दतें बीती उनका ख्याल आया, मुद्दतें बीती उनका ख्याल आया, चाय की चुस्कियों में वो शाम का डेरा, कुछ तरन्नुम थे, कुछ गजलें थी, कुछ शायरी थी और कुछ गुफ्तगू थी। वाह। कुछ तुमने कही थी, कुछ हमने सुनी थी, कुछ अनकही ही रह गई, जो यादों में सिमट कर ठहर गई। वही मौसम फिर दोहरा रहा है, यानी बिंदिया का समा फिर से बंद रहा है, तो चाय पर फिर मिलते हैं चलो, और इस बार मैं कहूंगी और तुम सुनना, कुछ अनकही ना रह जाए इतना वक्त लेकर आना। वाह क्या बात। तो बिंदिया की मेरी सभी बहनों को और सखियों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका पूरा वर्ष बहुत ही खूबसूरत हो, मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। और इसी के साथ मोनिका, जैसे आपने कहा था आपको मेरा हार पसंद आया, मुझे आपके झुमके बहुत अच्छे लगे। अरे वाह, मैं सच में ये झुमके उतार के ले जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये दादी ने आपको दिए हैं। जी जी, है ना? तो इसकी डिजाइन सच में बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और हम लोग जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं ऐसे सच सवर के आज के दिन आई हैं, लग रहा है कि हम लोग नववर्ष के जश्न में ही शामिल होने आई हैं। क्यों, सही रहा ना? बिल्कुल। तो इस जश्न के मौके पर एक छोटा सा गीत मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। हेलो डार्लिंग, हेलो मौका है कि मैं अपने इस कार्यक्रम में एक और हस्ती को शामिल करना चाहती हूँ,
और मोनिका आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। और अब जिस शख्सियत को मैं हमारे इस मंच में बुलाना चाहती हूँ, वो नाम बहुत ही जाना माना है, काफी दिनों से हमारी बहनें उनका नाम सुन रही हैं। उनका नाम है हीना देशपांडे और आकाशवाणी के साथ साथ आज वो डीपीएस में पढ़ाती भी हैं और साथ ही एक बहुत ही उम्दा शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। तो आज हमारे लिए नववर्ष में वो क्या सौगात लेके आई हैं हीना जी, हमें जरूर बताइए। सबको शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, आमंत्रित किया और साथ ही मेरी साथियों को, सखियों को और श्रोता बहनों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पल थमता नहीं, वक्त रुकता नहीं, उसी तरह हमारे इरादे इतने बुलंद हैं कि कसौटियों के चलते हमारे कदम कभी लड़खड़ाते नहीं, कभी रुकते नहीं। कहते हैं ना साथियों, यदि हमारे इरादे नेक हों तो हमारे रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जिस तरह मेरी जिंदगी बदली बिंदिया ने न केवल मुझे आकाशवाणी में आने का अवसर दिया, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं एक ध्रुपद गायिका हूँ, लेकिन इसके साथ इससे भी बड़ी जो मुझे मुकाम हासिल हुआ वो यहाँ बिंदिया कार्यक्रम के जरिए हुआ, क्योंकि काफी सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। और जब हम श्रोता बहनों को हमारे मिलते हैं, हर दिन का जब हमारा कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम में हमें हर बार नया विषय दिया जाता है और बहुत मजा आता है बहनों, जब हम नए नए विषयों पर अपनी श्रोता बहनों से बातचीत करते हैं और उन बातचीत के जरिए उनके करीब आते हैं, तो वो एक बहुत ही अविस्मरणीय समय होता है और एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहता है हम सभी के लिए, जिसमें हम सच में उन जो समय रहता है कार्यक्रम का, उस समय में हम सच में गुम हो जाते हैं और उस समय को कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल। तो हीना, आप कौन सा गीत आज हमको सुनाने वाली हैं? बिल्कुल, मैं एक छोटा सा गीत है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसे कि हमारी सभी श्रोता बहनें और हमारी सखियां जानती हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर क्लासिकल विषय पर ज्यादा लोग इन चीजों को नहीं सीखते हैं, या ये विषय जो है बहुत ही पीछे है। तो मेरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्लासिकल के बारे में लोगों को जागरूक करें और उन्हें इस विधा को सीखने के लिए आकर्षित करें। तो मैं कुछ गीत की पंक्तियां इस क्लासिकल गीत के साथ ही आपको सुनाना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हेलो हेलो जब कहती है तो वे आपकी आवाज पहचान जाती है, जब भी आपसे मिलती है आपसे बातें हजार करती है, गीतों की बहार तो लाती ही है, साथ ही सखियों के दिल की बात भी सुन लेती है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मंजुला जैन जी की, जिनकी सांसों में किताबों की खुशबू है और बातों में जगत कल्याण का जादू, जो हम सबसे मिलने को कोई भी अवसर गंवाना नहीं चाहती। डॉक्टर मंजुला जैन नालंदा ग्रंथालय की हेड लाइब्रेरियन हैं, जिनके साथ ही बिंदिया की अभूतपूर्व कंपेयर भी आज नव वर्ष पर कौन सा सौगात लेकर आई हैं। नौ वर्ष की नौ बेला में साथ यूं ही बना रहे, बिंदिया के झिलमिल में सखियों संग हम यूं ही बढ़ते रहे। हमारी सभी सखियों को और जो हमारी सभी श्रोता सखियां हैं उनको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, यूं तो आकाशवाणी से जो नाता है वो 26 वर्ष पुराना है, जब बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते हुए आकाशवाणी केंद्र जबलपुर से इंटर्नशिप करने का मौका मिला और यहीं से आकाशवाणी से जुड़ाव का एक जो सिलसिला था वो शुरू हुआ, जो कि आज तक निरंतर जारी है। और जबलपुर में भी जैसे कि घर आंगन शक्ति रूपा जैसे बहुत सारे कार्यक्रम थे, फिर बिलासपुर के जरिए और फिर अब आकाशवाणी रायपुर के जरिए जो हमारी सखियों से हम जुड़े हैं, और साथ ही साथ हेलो बिंदिया कार्यक्रम के जरिए जो सखियों की बातों को एक मंच देने का अवसर मिला, साथ ही बहुत सारी चीजें हैं जो सखियां कह नहीं पाती, उसको एक अवसर
इस कार्यक्रम के जरिए मिलता है। तो ये आकाशवाणी से जुड़ना वाकई अपने आप में गर्व की बात रही है, और न सिर्फ दूसरों के जीवन में बल्कि हमारे जीवन में भी को दिशा देने में भी जो बिंदिया प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जैसा कि आपने बताया नालंदा ग्रंथालय से मैं जुड़ी हूं, तो जो युवाओं को हमने देखा कि युवाओं सिर्फ शिक्षा के बल पे ही इतने बड़े बड़े पद को हासिल कर लेते हैं, तो यूथ के साथ साथ आज नारियां भी इस ओर जागरूक हो रही हैं कि हम बड़े जो प्रतिष्ठित पद हैं केवल अपने विशुद्ध जो ज्ञान है ज्ञान के बल पर हासिल किया जा सकता है। तो हम ये चाहते हैं जो ये जो साथ है हम सबका वो हमेशा यूं ही बना रहे। तो एक गीत की जो लाइनें हैं कि मैं यही कहना चाहूंगी कि तेरा मेरा साथ रहे दिन हो या रात हो, तेरा मेरा साथ है, तेरा मेरा साथ है, तेरा मेरा साथ है, तेरा मेरा साथ है। धूप हो छाया हो दिन हो रात रहे तेरा मेरा साथ रहे। संवाद हमेशा सार्थक करती है, दुनिया की सारी कलाओं में पारंगत हैं और अपने श्रोता सखियों की आकांक्षाओं में एकदम खरी उतरती हैं। यूं कहें तो बस नाम ही काफी है जिनसे मिलकर हम सबकी प्रतीक्षा खत्म हो जाती है, जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये सखी हैं प्रीतम जी, जिनकी बातों और अदाओं में गजब का आकर्षण है। जहां हमारी सखियों की अप्रतिम सखी है वहीं दूरदर्शन से लेकर शिक्षा जगत तक का चमकता सितारा है। नौ वर्ष का स्वागत अपनी कौन सी अदा से करना चाहती है? इस नव वर्ष के आगमन में मैं तमाम श्रोता बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं, और साथ ही मैं यहां पर यही कहना चाहूंगी कि हमें हर परिवर्तन को नए वर्ष में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि हम सबको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, हमेशा मन को शांत रखें, धैर्य रखें, क्योंकि कहा भी गया है कि धैर्य का फल मीठा होता है। श्रोता मैंने जैसा कि हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, इसलिए अच्छा सोचे, सकारात्मक सोचे और हमेशा खुश रहे, क्योंकि कहा भी जाता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। और एक मुस्कान, जी हाँ बहनों, एक मुस्कान आप दूसरे के चेहरे में लाएंगे तो ये एक दुआ से कम नहीं होगा। दुआ से यही बात कहना चाहूंगी कि ईश्वर पर सदैव भरोसा रखें, वो हमेशा हर रूप में हमारे आसपास रहता है, हर मुश्किल में हमारे साथ रहता है। और किसी ने कहा भी है कि दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। आज हम अपनी दुआ का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। I'm not afraid.
मेरी प्यारी सखियों, मेरे मन की शांत लहरें अक्सर तुम्हें पुकारती हैं। मेरे दुआओं की लकीरें तुम्हारी सलामती की मीनार बनाती हैं। थक कर सो जाती हैं जब ख्वाहिशें, तब मेरी खामोश प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए शुभकामनाओं के दीप जलाती हैं। वैसे तो सखियों, मैं अपनी बातें कार्यक्रम के माध्यम से आपसे करती ही हूँ, और जब साल का हम स्वागत कर रहे हैं तो एक छोटा सा गीत सुना रही हूँ। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ना ये चांद होगा। नौ प्रभात की स्वर्णिम किरणों से, आशाओं के उज्जवल आसमान से, सौभाग्य के अखंड भूखंड से, मंगल हो नौ वर्ष खुशियों की बरसात हो, जीवन के हर पल में अपनों का साथ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बहनों, नए साल के उपलक्ष्य में आपने सुना ये विशेष कार्यक्रम स्वागत 2024। आलेख नेहा त्रिवेदी का था। प्रतिभागी बिंदिया सखियां थी दीपशिखा शर्मा, डॉक्टर मंजुला जैन, प्रीतम कौर, मोनिका शर्मा, पारोमिता, हिना देशपांडे और नेहा त्रिवेदी। प्रस्तुतकर्ता थे शाहिद हुसैन। सखियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, ईमेल और पत्रों के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। बहनों, नए साल के सफर में चलते चलते तोड़ लेना नेह के कचनार, अपने पन के हर श्रृंगार बटोर लेना, छू लेना आत्मविश्वास के खिले गुलाब, महकती बेला से फिर से मिलने का वादा कराना, मना लेना रूठी रात रानी, मुस्कुराती चंपा को अपना बना लेना, चहकती रहना तितलियों सी, अपनी खुशियों का संसार रंगीन बनाए रखना, कुछ सुनकर कुछ अनसुना कर देना, कुछ देख अनदेखा कर देना, और अपनी जिंदगी खुशहाल कर लेना। क्या खोया क्या पाया के हिसाब को विराम देकर, अगर आपके हौसलों में धड़कन है, उम्मीदों में सांसें हैं, तो कभी भी नई शुरुआत संभव है। नए वर्ष, नई आशाओं और विश्वास के साथ हम फिर अपना सफर जारी रखते हैं और आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपको अपने कार्यक्रम का ईमेल भेजने के लिए ईमेल आईडी बता दें। हमें कार्यक्रम भेजने के लिए ईमेल आईडी है raaipkichitthi1118@gmail.com। पत्र लिखने के लिए बहनों पता है, द्वारा केंद्र निदेशक बिंदिया प्रभाग, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड है 492001। कोशिशों के परिंदे जब अपने ख्वाबों का आसमान छूना चाहते ना, तो आसमान भी थोड़ा झुक जाता है। इसी नेक विचार के साथ दीजिएगा अनुमति अपनी रेडियो सखी नेहा त्रिवेदी को। नमस्कार।